सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का एक और पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका इंग्लिश का होने वाला है। कल आपका जो है पेपर होने वाला है, ठीक है। और कल के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये जो वीडियोस मैं अभी आपके लिए बना रहा हूँ, साथ ही और वीडियोस अभी आएंगे तो वो इम्पोर्टेंट है, वो सब उन सभी को आपको ध्यान से समझना है। पेपर पे आए तो यहाँ पे इंग्लिश स्कोर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, टाइम आपके पास 3 घंटे रहते हैं, 80 नंबर का आपका ये पेपर होता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपके दिए रहते हैं उसकी बात करें हम, तो यहाँ पे दिया गया है जैसे 15 मिनट आपके पास जो होंगे वो पेपर को पढ़ने के लिए होंगे और 3 सेक्शन में डिवाइड होगा आपका पेपर, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर का, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर भी रहता है, फिर लिटरेचर होता है। और सभी क्वेश्चंस के लिए इंस्ट्रक्शंस है वो दे दिए जाते हैं आपको और आंसर्स आपको जो है जो लिखना है क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो सही लिखना है, ये बताया गया है। तो ये चीजें तो हम हर एक पेपर में देख ही लेते हैं। ये चीजें आपकी जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आपको हर एक पेपर में दिखेगा, पहले ही दिखेगा, तो ये आपको पढ़ लेना है, बाकी सभी बच्चों को पता ही होगा। इसके अलावा आपको जो है एक और चीज की अगर आपने पुरानी जो 2-3 पेपर हमने ऑलरेडी करवा रखे हैं उनको भी देख सकते जाके, वहां पे भी आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से आप जरूर जाके देख। और अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 11 टेलीग्राम जो हमारा चैनल है या आप इसे ग्रुप कह सकते हैं ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको लिंक से ओपन नहीं हो पाता है तो आप जो है टेलीग्राम पे जाके क्लास 11 1 2 3 4 सर्च कर सकते हैं, इससे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही कोई डाउट रह जाता है आपका तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सभी बच्चे के क्वेश्चन का जरूर मैं रिप्लाई करता हूँ। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, या रह जाता हो तो आप मुझसे जरूर जो है इसमें पूछ सकते हैं। देखिए उनको और समझिए, पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका रीड द पैसेज, जो पैसेज रहेगा ये 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। और टोटल जो है इसके क्वेश्चंस टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको 10 के 10 करने हैं और इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे यानी एमसीक्यू वाले भी होंगे और जिनका पूरा आंसर आपको लिखना है वो भी होंगे। अब पैसेज की बात करें, पैसेज कैसे करना है, मैंने कई बार बताया कि आपको पैसेज पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आना है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे डायरेक्ट और जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे गलत टाइप हो रखा है, यहाँ पे आंसर देना है आपको 10 क्वेश्चन के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्चुअल ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक, ये फेस्टिवल है जिसका नाम है वर्चुअल ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल, तो इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है कि जो है इसकी क्या भूमिका रहती है, इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर पैसेज की तरफ जाए ऊपर की तरफ तो इसके अंदर हम आंसर देखते हैं क्या रोल रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली जो लाइन ही है वो इसी के बारे में है, द वर्चुअल ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल आइडेंटिफाइज प्रोमोट्स एंड सेलिब्रेट्स बुक ऑथर कन्वर्सेशंस एंड वेरियस कल्चरल एक्सप्रेशंस ऑन द एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, इसमें से आपको कितने लिखने हैं, 1 नंबर का है, बड़ा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरह से, पूरा नहीं मतलब जो रियल आंसर जहां से स्टार्ट होता है, जैसे कि कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, बाहर सेज एवरी सेकेंड पर्सन ऑन सोशल मीडिया इज राइटिंग ऑन नेचर, यानी हर समय जो है आप क्यों लगता है कि हर समय जो है सोशल मीडिया पे हर एक दूसरा व्यक्ति जो है वो प्रकृति हो गया, पर्यावरण हो गया, उसके ऊपर लिख रहा है, ठीक है, राइटिंग ऑन नेचर एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था पर, परिस्थिति पर, इन सब पर लिख रहा है, आपको क्यों लग रहा है ऐसा। तो यहाँ पे हम देखें इसके ऊपर चले हम पैसेज की तरफ, ठीक है, और पैसेज में देखते हैं हम, यहीं पे आपको जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एवरी सेकेंड पर्सन ऑन सोशल मीडिया इज राइटिंग ऑन नेचर एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड द इकोनॉमी, ठीक है, इसकी वजह क्या है, मेन रीजन क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपको जो है समझ के लिखना होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें ऑप्शन में
तो अवेयरनेस के कारण, ठीक है, जागरूकता, इसकी वजह से जो है सब जो है आप देखते होंगे अपने, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पे देखिए काफी ऐसे मिलेंगे आपको जो सिर्फ पेड़ों के बारे में कैसे उनको बचाया जा सकता है, पेड़ों के उगाने के बारे में आपको बताएंगे, पेड़ कैसे लगाना है, मतलब अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही है, अवेयरनेस आ रहा है हमारे अंदर। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज द, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डज द बेनेडिक्ट, पर्यावरण जो पर जो है इसका मतलब बोला गया है, हाउ डज द बेनेडिक्ट प्लान टू मेनस्ट्रीम कन्वर्सेशन और एनवायरमेंट, यानी जो बेनेडिक्ट है पर्यावरण पर मुख्य जो बातचीत की योजना है वो कैसे बनाता है, किसके थ्रू बनाता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसके अंदर एक, यहाँ पे GLF, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसे आप पूरा पढ़ेंगे पैसेज को और समझेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस के बाद समझना है आपको, तो आपको आंसर जो है लिखना आ जाएगा, इजीली आप लिख पाएंगे। चौथे क्वेश्चंस पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ द पीपल विल हैंग आउट इन GLF, यानी जो GLF में जो है किस तरह के लोग जो है घूमेंगे ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको जो है पैसेज में जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा आपको आंसर, अगर आप देखते हैं यहीं पे आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे कि इस तरह के जो लोग हैं वहां पे घूमेंगे। तो इसे आप पढ़ लेना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसे पहले से तैयारी करके नहीं आता हर एक क्वेश्चन के आंसर की, मैं तो आपको बस यहाँ पे इसलिए अभी ढूंढ के दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसका आंसर कहाँ है। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि बच्चों को करना कैसे है, अगर ना उनको मिल रहा हो तो कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ना है उसके बाद आपको पैसेज की तरफ आना है और ढूंढना है उससे रिलेटेड है क्या कुछ, ठीक है। तो उसका बाकी मैंने आंसर आपके नीचे दे रखे हैं, ये आपका पीपल हु केयर ऑफ द प्लेनेट, जो पीपल जो है वो देखभाल करते हैं प्लेनेट की, उनके लिए ये जो है घूम ले GLF में घूम सकेंगे वो लोग। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द विजन ऑफ मेघा गुप्ता, यानी इसके अंदर आप एक मेघा गुप्ता देखेंगी, ठीक है, एक लड़की है आप इसे कह सकते हैं, उनका विजन क्या है आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा, अगर नाम से है तो आप इजीली ढूंढ पाओगे इसके अंदर मेघा गुप्ता के बारे में, ठीक है। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा आंसर, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आंसर, मैं आंसर तक नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको पैसेज दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको अपने आप ढूंढना है इसका आंसर है कहाँ पर, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर पांचवा हो गया, राइट आंसर वैसे इसका लिख रखा है यहाँ पे आप देख सक पाएंगे, ग्रीन लिटरेचर इन इन अ विंडर सेंस नॉट जस्ट फिक्शन नॉन फिक्शन एंड बुक्स बट ऑल्सो चिल्ड्रंस लिटरेचर पोएट्री ड्रामा एंड कॉमिक्स, यानी कहने का क्या मतलब है इसमें, इसका कहने का मतलब है जो क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा दिया हुआ है, मेघा गुप्ता की दृष्टि क्या है, उनका क्या देखती है वो अपने नजरिए से, तो वो कहती है कि ग्रीन लिटरेचर इन अ विंडर सेंस, जो हरित साहित्य जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो व्यापक अर्थों में ना केवल कल्पना, ठीक है, नॉट फिक्शन, नॉन फिक्शन, गैर कथा और किताबें, बाल साहित्य और कविता, नाटक, कॉमिक्स भी जो है इसके इंपॉर्टेंट रोल करेंगे अदा, ये चीज है कहने का मतलब। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं, इज GLF गोइंग टू बी अ सिंगल इवेंट हाउ, यानी जो GLF है उसका क्या एक ही इवेंट होने जा रहा है कैसे आपको बताना है। तो नहीं, अ ईयर लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट, यानी नहीं घटनाओं की एक साल जो है लंबी श्रृंखला यानी इवेंट है वो करवाई जा रही है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सातवां है, व्हाट टेक्स एन एज इन द, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है और एनवायरमेंट है उस पे जो है उसको बांटने में, दो भागों में बांटने में क्या बढ़त लेता है, यहाँ पे आपको बताना है, आपके सामने ये ऑप्शंस है और देखिए अब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है लेकिन मैं आपको पैसेज तक ले जाता हूँ और पैसेज में आपको ढूंढना है इसका आंसर है कहाँ पर, ठीक है। बार बार मैं पैसेज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को खुद करना है, यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको इसे ढूंढना है आंसर कहाँ पर है आपका, आपको एक खुद ही लिखना है क्योंकि कल आपका पेपर है, वहां पे कोई आपके लिए होगा नहीं, आपको खुद ही सर्च करना है, ढूंढना है, समझना है आंसर कैसे मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है सेवन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर एट है आपका, क्वेश्चन नंबर जो एट है पूछा गया है जैसे कि
कि हाउ हैज द COVID-19 पेंडेमिक ब्राउट टुगेदर डॉक्टर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। यानी COVID-19 जो महामारी है उसने कैसे डॉक्टर को, पर्यावरण जो वाले होते हैं लोग, ठीक है, उनको और पत्रकार जिन्हें जर्नलिस्ट बोलते हैं, उनको जो है एक साथ ला दिया कैसे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप इसे देखेंगे, टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन इन क्राइसिस। यानी जो है संकट में आप सभी को पता है कि ये चीजें जो है एक साथ हो जाती है, ठीक है, निरीक्षण के लिए ये चीजें हमारे पास, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये एक साथ हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ विजुअल्स। यानी जो विजुअल्स होते हैं, देखने की चीज, दृश्य जिसे बोलते हैं, उसकी क्या पावर है, क्या शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर आपके सामने है। फिर 10वां है, यहीं पे नीचे की तरफ 10वां को देखेंगे, हु इज द फाउंडर ऑफ GLF इज ई मैगजीन। तो यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, बाकी आपको देख लेना ऊपर जाके। तो ये कुछ इस तरह से आपके जो पहला क्वेश्चन था 10 नंबर का पूछा जाएगा, पैसेज वाला, ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ इस तरह से आपको करना है पैसेज का। आपको जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, देखिए पेपर, पूरे पेपर की बात करें तो जो पहला और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है शुरुआत के, ये तो लास्ट में करिए आप, आपके लिए सही है। क्योंकि अगर आप इसे छेड़ देंगे शुरुआत में तो ये आपके जो 3 घंटे पेपर है उसमें 1.5 घंटे 2 घंटे यही ले जाएगा। तो इसकी वजह से इसे ना शुरुआत में करें आप, जो है सेक्शन बी हो गया, इससे स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से आप इसे कर पाएंगे। वहां से आपको क्या पड़ेगा, थोड़ा इजी पड़ेगा और प्रेशर कम आएगा, क्योंकि सेक्शन बी से आप स्टार्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे। लेकिन ये पैसेज वाला आपको जो है सोच के करना होता है थोड़ा, तो इसमें टाइम भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आप इसे लास्ट में करें, और पैसेज को करने के लिए आपको पैसेज शुरू में पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने, क्वेश्चन पढ़ना है फिर आपको पैसेज पे जाना है, ऐसे ही इसे सॉल्व करना है। तो ये पहला पैसेज हो गया। दूसरा पैसेज है, ये आपका जो है 8 नंबर का है टोटल, और ये भी आपका वही है, आपको पढ़ना है और उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये थोड़ा बस डेटाबेस होता है आपका जो है, यहाँ पे कुछ टेबल्स दे दिए जाएंगे या कोई डेटा दे दिया जाएगा, वो होगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसा पहला पूछा गया है कि जो पैराग्राफ आपका एक है, ठीक है, क्या आप उससे जो है स्टेटमेंट जो दी गई हुई है, डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ 1, आप उससे जो है सहमत है कि नहीं, आपको बताना है। तो यहाँ पे आप जो है बता सकते हैं आप सहमत है कि नहीं है, या के 3 ऑप्शन है, इसमें से आपको कोई एक चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये है, बाकी इसे आप पैसेज में खुद करिए जाके। मैं दो एक बार और पैसेज आपको दिखा देता हूँ आपके लिए, और इसे आपको जो है खुद करना है। मैं एक भी क्वेश्चन इसका नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आंसर भी दे रखा है आपको नीचे, और ये आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। मैं हिंदी जरूर आपको समझा दूंगा क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। डू यू थिंक द रिसर्चर्स ऑफ द स्टडी एम्ड टू चेंज द स्टूडेंट्स आउटलुक टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सपोर्ट योर आंसर विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। यानी क्वेश्चन जो पूछा गया है कि क्या आपको लगता है जो रिसर्चर्स होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व कौशल के विकास के लिए जो है छात्रों के जो दृष्टिकोण होते हैं, जो छात्रों की जो देखने की वो होती है उसको बदलने का रक्षर जो लक्ष्य है वो रखा है, ये आपको बताना है। और इसको पढ़ के तो आपके आंसर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, और आप अपने आप जरूर करें इन क्वेश्चन को। आते हैं तीसरे पे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट displays the most likely reason for including researchers, ठीक है, research question number 3 in the 2014 study। तो यहाँ पे आपके आपके सामने ये ऑप्शन है, राइट आंसर मैंने डी रख रखा है, आप पैसेज पे जाइए और सोचे इसका आंसर क्या होगा, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते, कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस को बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपका जो है स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको जो है इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख पाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस द की इवेंट डिजाइंड विद जो है बैलेंसिंग रोल्स टेबल 1 आपका जो है एस द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है और इसका राइट आंसर दे रखा है बी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो 6 है,
कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, सेलेक्ट आपको जो है कंप्लीट करना है सेंटेंस को, और इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है आपको बताना है, इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको। तो राइट आंसर इसमें दे रखा है मैंने सी, जाइए देखिए पैसेज में क्या ये राइट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसमें भी कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे कोलैबोरेशन राइट आंसर आ जाएगा इसकी जगह 4 और इसकी इसके बाद। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विद 1-2 वर्ड्स। एक और दो वर्ड में जो है आपको यहाँ पे बोला गया है, मैंने राइट आंसर लिख रखा है आपका यहाँ पे, आप तो ये या ये लिख सकते हैं, ठीक है ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। तो दूसरा पैसेज कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैंने इसमें हर सभी के आंसर्स आपको नहीं बताए, मैं यही कहूंगा आप खुद प्रैक्टिस करिए, कल आपका एग्जाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैं आपको आंसर सारे समझा दूं और ये सेम आ जाएगा, सेम तो नहीं आएगा, ये पैसेज सेम नहीं आता है, ये आप बात जो है दिमाग में डाल के रखिए कि पैसेज आपका सेम नहीं आएगा, आपके प्रैक्टिस के ऊपर ये है। तो इसे जरूर जो है प्रैक्टिस से ही आप जो है इसे अच्छे कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा ये भी पैसेज रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो है आपको नोट मेकिंग बनानी है और समरी रहता है, दो क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर, तो मैं एक बार आपको पैसेज दिखा दे रहा हूँ और डायरेक्ट हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहला जो है आपका नोट मेकिंग का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे बोला गया नोट बनाने को, नोट मेकिंग बनाने के लिए। तो नोट मेकिंग होता क्या है, मैंने कई बार आपको बताया है कि एक नोट्स है, ठीक है, एक नोट्स आपको बनाना है जो आपके दिए गए है आपका पैसेज, उसमें से आपको नोट्स बनाना है। तो यहीं पे जैसे नोट्स है ये, यहाँ पे मैंने नोट्स जैसे एक हेडिंग रहता है, फिर उसके बारे में दो तीन जो है टॉपिक लिखते हैं, ठीक है सब हेडिंग लिखते हैं, फिर ऐसे ही जो है दो चार, फिर ऐसे ऐसे करके जो है ये पूरा नोट मेकिंग जो है तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही आपको जो है नोट मेकिंग करना होता है, पैसेज आप पढ़ेंगे उसको थोड़ा समझेंगे तो वहां से आप कर पाएंगे, बाकी ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। बाकी नोट मेकिंग ऐसा है कि आ सकता है तो आप इसे जरूर कर ले, सेम भी आ सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। पेड्रिसेंस इन दिल्ली, मतलब जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनके बारे में बात हो रही है कि इस पूरे पैसेज में जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने हेडिंग ले रखा है दिल्ली दिल्ली अ मेजर सिटी फॉर पेड्रिस्टेशन। यहाँ पे जो बोला गया है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उसका एक प्रमुख शहर है, ठीक है, पैदल यात्री जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये कुछ पॉइंट लिखे हुए जैसे सब हेडिंग के टाइप में, तो ऐसे ही आपको बनाना होता है। की और एब्रीवेशंस भी आपको बनाने होते हैं, जैसे आपने शॉर्ट फॉर्म क्या यूज किया है इसमें, तो वो भी आपको जो है इसके अंदर डालने होते हैं, कुछ आपको 5-7 यहाँ पे लिख देंगे आप, सही हो जाएगा ये। दूसरा ऐसे ही करके आपको जो है 3 बनाने हैं टोटल हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग में आप 3-4 जरूर लिखे। लाइफ इन दिल्ली फॉर सिटीजन क्या है, फास्ट लाइफ है, पुअर पब्लिक मैनेजमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप ये चीजें डाल देंगे। और जो तीसरा है जो है तीसरा बोला गया है जो पैदल यात्री है वो मॉडर्न सिटी में कैसे है आपको बताना है, तो कुछ इस तरह से डाल रखा है। तो ये नोट मेकिंग है, बाकी ये आ सकता है, आप इसे देख सकते हैं। मैं पैसेज आपको दोबारा दिखा देता हूँ, पूरा का पूरा जो पैसेज है वो जो दिल्ली की बात हो रही है और दिल्ली में भी पैदल यात्रियों की बात हो रही है, ठीक है। तो कुछ ये आपका कुछ इस तरह से पैसेज है ये, और नोट मेकिंग कुछ इस तरह से बना हुआ है, आप ऐसे आपको ही बनाना है। अब इसकी समरी पे आते हैं, तो समरी आपको जो है 50 वर्ड में लिखनी होती है, ठीक है, यहाँ 80 लिखा हुआ है, 50 वर्ड में आपको लिखनी होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो पैदल यात्रियों के बारे में क्या समरी है पैसेज से, ये आपको इस तरह से लिखना है। तो टोटल ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, ये है आपका एडवर्टीजमेंट के ऊपर, आपको जो है एक एडवर्टीजमेंट लिखना है किसके ऊपर, यहाँ पे बोला गया है जैसे ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रिंसिपल डाउन वर्ल्ड वाइड स्कूल आगरा, आपका जो ये दिया हुआ एड्रेस, ड्राफ्ट अ रिस्पॉन्सिबल एडवर्टीजमेंट इन अराउंड 50 वर्ड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्डर्ड सेक्शंस ऑफ अ पब्लिक पेपर गिविंग एवरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब टाइटल्स ऑफ कैपेबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड इन द सेक्रेटरी। तो यहाँ पे आपको जो है एक जो है सचिव जो है उसको जो है एक सार्वजनिक पत्र जो है वो लिखना है, और यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस।
और कुछ इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सभी क्वेश्चन रख रखे हैं, ठीक है। इसके आंसर मैंने दे जरूर रखे हैं, लेकिन मैं ज्यादातर सोचता हूँ कि आंसर ना दूं आपको, ये आप क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें और मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर दे देता हूँ। ताकि देखिए, कोई बच्चा कमेंट करके बोलता है कि आंसर दो, कोई बोलता है आंसर मत दो सर यहीं देख लेंगे तो क्या फायदा फिर। तो ऐसे बच्चे भी है, अब इन दोनों में से किसकी सुने, किसी एक की सुनेंगे तो एक जो है कहेगा कि आंसर नहीं है, हम कैसे करें। तो ऐसे बच्चे हैं जिनको आंसर चाहिए तो उनके लिए मैं दे देता हूँ, और जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए मैं नीचे जो है और करके एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। योर अंकल है जस्टिफाई, जैसे जस्ट एस्टेब्लिश्ड अ टूर एंड ट्रेवल कंपनी, यहाँ पे आपको जैसे एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है, तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है और इसे आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी एडवर्टीजमेंट का था, पांचवा भी आपका वही रहता है एडवर्टीजमेंट का, यहीं पे ये क्वेश्चन है। योर सिस्टर सुजी इज अ मैरिजेबल एज, यानी आपकी जो सिस्टर है उसका नाम क्या है, सुजी, वो एक विवाह की यानी योग्य हो गई है, उसकी आयु जो है, उसका एज जो है वो विवाह के लायक हो गया है। तो आपको क्या लिखना है, यू बिलोंग टू रोमन कैथोलिक, आप जो है बिलोंग किससे करते हैं, रोमन कैथोलिक जो रिलीजन है, धर्म है, उससे करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग अ सूटेबल मैच फॉर हर, यानी आपको जो है आप तो एक रोमन कैथोलिक धर्म से मिलते हैं, ठीक है, संबंध रखते हैं, तो आपको क्या करना है, आपके माता पिता की ओर से जो है आपको उसके लिए एक उपयुक्त जो है आमंत्रित पत्र, मतलब एडवर्टीजमेंट लिखना है और विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पे आपके सामने राइट आंसर जो है यहाँ पे है, आप इसे पढ़िए, समझिए किस तरह से जो है इसका आंसर जो है आपको लिखना है पेपर में। कुछ ये आंसर मैंने लिखा हुआ है, बाकी आप अपने तरफ से कुछ अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है सेम सेम लिखना होता है। इसी में अथवा भी दे रखा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी आपको जो है एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है। व्हाइल ट्रेवलिंग इन अ बस यू फाउंड सम सर्टिफिकेट्स, अ वॉलेट एंड सम ज्वेलरीज, यानी इन अ बैग, आप जो है ट्रेवल कर रहे थे तो आपने देखा, बस में आप यात्रा कर रहे थे तो आपने जो, आपको एक बैग में कुछ प्रमाण पत्र मिले, एक पर्स मिला, ठीक है, और कुछ जो है ज्वेलरीज मिली। कि आपको बैग के मालिक का कोई संपर्क विवरण नहीं मिला है, मतलब नहीं पता है, तो आपको क्या है कि एक इस समाचार जो पत्र रहता है उसमें प्रकाशित होने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है लोकल न्यूज़पेपर के लिए, तो आपको तैयार करना है। तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर पांचवा भी हो जाएगा, ये आप खुद करें, प्रैक्टिस करें, बाकी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और सारी चीजें मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगा, तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा और पेपर आपका कर लिया, तो इसे आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है आपका, ये है आपका अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके स्पीच के ऊपर आएंगे, स्पीच के टोटल आपके चार क्वेश्चन होंगे और दो करने होंगे, तो मैंने भी वही किया है, दो कर दिए आपके लिए। जैसे स्पीच लिखना है, द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन लाइफ, हमारे क्या महत्व रहता है गेम्स का हमारे लाइफ में, तो मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको करवा रखे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको बार बार लिया है, दोबारा लिया है, क्योंकि जो गेम्स है, देखिए आज के समय में जो वर्ल्ड में चल रहा होता है उससे रिलेटेड कुछ आता है, या वॉर से रिलेटेड आ जाए, अभी वॉर हो रहा है तो वॉर से रिलेटेड आपसे जो स्पीच पूछा जाए कि क्या वर्ल्ड जो वॉर होनी चाहिए, स्पीच इसके बारे में आपको दे देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कुछ इस तरह से मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। इसी का मैं जो है अथवा भी है, और ये अथवे में मैंने ले रखा है, इसको आपको खुद करना है यहाँ पे, ठीक है, आप इन क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और देखिए क्या आप कर पाते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सातवें पे, क्वेश्चन नंबर जो सातवां है ऐसे ही है, इसमें भी आपको स्पीच तैयार करना है। स्पीच, यू आर द अपसेट आफ्टर रीडिंग अ रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर वी सो अ शॉकिंग डिसलाइन इन द गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन, आप जो है मतलब बहुत अपसेट है, उदास है, जब आपने देखा गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन के बारे में, तो आपको एक स्पीच लिखनी है, इसके बारे में हाईलाइट करना है और जागरूकता बढ़ानी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। ये आपका कुछ इस तरह से मैंने स्पीच लिख रखा है, आप इसे देख सकते हैं, पूरा स्पीच है ये, ठीक है, गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन पे। इसके अंदर आप लिखेंगे क्या, देखिए गर्ल चाइल्ड जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, इसके बारे में आपको लिखना है, इसके रीजन क्या है, कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ये सारी स्पीच आपको देना है। इसी में अथवे में मैंने एक और जो है ले रखा है, तो अथवे में आपको जो है ये दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, खुद से करें, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है मैंने और ये भी आपका स्पीच है। तो ये आपके टोटल जो है दो स्पीच वैसे करने होते हैं, दो मैंने आपको करके दिखा रखे हैं, आते चार हैं, तो मैंने अथवे में नहीं कराए हैं, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, बाकी इन सबको
जो आंसर दिए हुए हैं मैंने, इनको भी आपको टॉपिक ले लेना है और अपने आप लिखना है। द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन लाइफ, आपको इसे टॉपिक बनाना है और इसके बारे में अपने आप से लिखने की कोशिश करना है, क्या आप लिख पाते हैं इसके बारे में स्पीच। देखिए स्पीच की बात करें तो 4-5 लाइन आपको ऊपर से और नीचे से जो है डिट्टो लिखनी होती है, वो आपके सपोर्टिंग में भी मिल जाएगी। और जैसे कि ये भी यूज किया गया, जैसे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल है, और अपने टीचर्स को करिए, फ्रेंड्स को करिए और बताइए कि मैं आज इसके बारे में बोलने जा रही हूँ, ये हमारे लिए कितना जरूरी है, सब शुरुआत में आप लिख सकते हैं। और लास्ट में जो है थैंक यू, ये सारी चीजें आप अगर आप अच्छे से लिख पाएंगे तो आप 4-5 लाइन ऊपर की और 4-5 लाइन जो नीचे की है वो ऐसी पहले से बना के जा सकते हैं, बीच का जो कंटेंट है वो आपको चेंज करना होता है बस। तो कुछ इस तरह से स्पीच हो जाएगा आपका। स्पीच के बाद बात करें हम, तो इसके बाद आएगा क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट वाला, यानी आपको जो है इनकरेक्ट है ये सारी चीजें मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे बताने के लिए, इनकरेक्ट और यहाँ पे करेक्ट वाला है। तो यहाँ पे इस लाइन में इनकरेक्ट क्या है और इसमें करेक्ट क्या आएगा, जैसे यहाँ पे जो है आर इनकरेक्ट है, इसकी जगह क्या आएगा इज आएगा। फिर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड ऑन सिग्निफिकेशंस ऑफ, यहाँ पे क्या है ऑन लिखा हुआ है, ऑन की जगह क्या आएगा द आएगा। तो यहाँ पे ये समझ के आप, यहाँ पे लेडी लिखा है तो यहाँ पे लेडीज आएगा। फिर यहाँ पे बाउंड टू द फोर वॉल, यहाँ पे जैसे वॉल्स वॉल लिखा हुआ है तो वॉल्स आएगा। यहाँ पे एन कंट्री लिखा है तो अ कंट्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एरर और करेक्शन वाला आपका ये क्वेश्चन रहता है और यहाँ पे कुछ इस तरह से करना होता है, ये आपका जो टोटल 4 नंबर का रहता है। आगे जो है 9वां जो क्वेश्चन रहता है आपका, इसमें आपको सेंटेंस दिया जाता है और कहा जाता है इसको चेंज करिए। जैसे पहला कहा गया कि नेगेटिव सेंटेंस में से आपको चेंज करना है, जैसे आई एम ईटिंग फूड मैंने एग्जाम्पल के लिए ले रखा है आपको बताने के लिए। यहाँ पे फिर आपको जो है आई एम नॉट ईटिंग फूड, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव में चेंज करना रहता है। यहीं पे फ्यूचर टेंस कंटिन्यूअस टेंस है उसको भी चेंज करना पड़ता है। तो ये ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये टोटल 3 नंबर का रहता है, तो ये 4 में से आपको कोई 3 करना रहता है लेकिन इसमें, और इसमें जो है आपको ये आपका 4 नंबर का रहता है, टोटल 8 होते हैं, 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है इसमें। तो ये आपका टोटल जो है हमने 9 क्वेश्चन तक देख लिया और ये आपका पूरा का पूरा जो है हम इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें आगे का करेंगे, जिसके अंदर उसमें हम लिटरेचर वाला सेक्शन देखेंगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज और कि मैं सेक्शन आपको लिखा हुआ नहीं दिखा रहा हूँ, सेक्शन ए स्टार्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने सेक्शन ए नहीं दिखाया। अब ये देखिए, ये सभी बच्चों को पता ही है मैं बार बार जो है इसको लिख के नहीं दिखा रहा और गलती से मेरे से टाइप भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको आप मत देखिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी वाला जो पार्ट रहेगा आपका वो हो जाएगा स्टार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है, जहां से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट रहता है आपका एडवर्टीजमेंट, यहां से आपका सेक्शन बी जो है स्टार्ट रह जाता है, ठीक है, ये आपका सेक्शन बी स्टार्ट है। फिर अब लिटरेचर वाला सेक्शन जो है रह गया आपका, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में वो करेंगे। और पार्ट 1 जो पार्ट 2 का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, तो आप जरूर चेक कर लीजिए, वहां पे आप देख पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका पार्ट 1 था, आई होप कि आप समझे होंगे पेपर आपको किस तरह से करना है। पैसेज में आएंगे तो उसको लास्ट में करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें अगर आपने टाइम दे दिया तो ये 1.5 से 2 घंटा आपका खा जाएगा, जिससे आप सेक्शन बी और सी भूल जाओगे। तो इसीलिए सेक्शन बी पहले करो, फिर सेक्शन सी करो, लास्ट में इन पर आओ, ठीक है। तो ये था आपका आज का ये वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख जाएगा, साथ में बेल का आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, इससे मैं अभी जो और वीडियोस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि और इसमें आपको क्या क्या डाउट रह रहा है, कि मैं आगे आने वाली जो वीडियोस लाऊंगा तो उसमें आपके डाउट क्लियर करता चला जाऊंगा। और कोई डाउट हो तो आपका मुझसे आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।